नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से बेहद मजबूत है। भारत को नेपाल अपना बड़ा भाई मानता है। भारत ने नेपाल की हर क्षेत्र में मदद की है और नेपाल भी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में चीन की नजर इस रिश्ते पर है और नेपाल के साथ वो लगातार नजदीकियां बढ़ा रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा करके कई परियोजनाओं का ऐलान किया था और नेपाल में नई सरकार के बनते ही परंपरा के अनुसार भारत का ही दौरा सबसे पहले करते हैं। लेकिन साल 2016 में ओली ने सार्वजनिक तौर पर भारत की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वो नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं नेपाल के संविधान गठन के दौरान कई प्रावधानों पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। चीन ने एक बार फिर नेपाल के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने वाला कदम उठाया है, जिससे भारत की चिंताएं फिर बढ़ गई है। चीन ने शुक्रवार को नेपाल को व्यापार के लिए अपने 4 बंदरगाह व 3 लैंड पोर्ट का उपयोग करने की अनुमति दे दी। बंदरगाह विहीन देश नेपाल की भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए तीसरे देश के तौर पर उभरने को चीन की यह चाल मानी जा रही है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार हिमालयी राष्ट्र अब चीन के सेंजेन, लियान युनांग, झिंजियांग और तियाजिन बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही चीन नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल नेटवर्क बिछाने की तैयारी में लगा हुआ है। रेल की लाइन शुरू करने को लेकर चीन की राजदूत युहांग ने कहा था कि नेपाल की सरकार का अनुरोध स्वीकार करते हुए हमने सीमा पार रेल नेटवर्क बिछाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए फिजिबिलिटी अध्ययन भी शुरू किया गया है। चीन की योजना तिब्बत के स्वात शासी सिगदेश से जिरांग तक रेल नेटवर्क को 2020 तक बनाना है। नेपाल चाहता है कि 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार काठमांडू तक कर दिया जाए, जबकि भारत और नेपाल पहले ही 14 रेल लाइनों की मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा भारत ने नेपाल को व्यापार के लिए 27 बॉर्डर पॉइंट प्रयोग करने के लिए दिए हैं, जबकि नेपाल को चीन सिर्फ 1 या 2 बॉर्डर पॉइंट ही देता था। लेकिन अब चीन नेपाल को व्यापार के लिए बंदरगाह देने जा रहा है, जो नेपाल की बदलती प्राथमिकताओं की ओर इशारा करता है। दरअसल नेपाल का संविधान लागू होने के बाद भारत ने अपने पड़ोसी देश पर एक आर्थिक नाकेबंदी लगाई, जिसे लेकर नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना। केपी ओली, जिन्हें पहले ही चीन समर्थक बताया जाता है, इन भावनाओं के साथ अपना जुड़ाव दिखाने लगे और उन्होंने एक वैकल्पिक स्रोत के तौर पर चीन के साथ व्यापारिक समझौते पर दस्तखत किए। यह समझौता चीन के लिए भारत के प्रभुत्व को रोकने के लिए बेहतरीन मौका बन गया और भारत के लिए चिंता की बात। जानकारों का मानना है कि इधर नेपाल और भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आया है, जिससे बीते 10-12 साल में नेपाल में भारत काफी अलोकप्रिय हुआ है। नेपाल के कुछ राजनीतिक दल भारत पर आरोप लगाते हैं कि वो नेपाल की राजनीति को माइक्रो मैनेज कर रहा है, इसलिए भारत के हस्तक्षेप को नेपाल के लोग अच्छा नहीं मानते हैं। नेपाल ने बड़ी चतुराई से भारत के असर को कम करने के लिए चीन को महत्व देना शुरू कर दिया है। नेपाल ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे चीन के साथ उसकी नजदीकी बढ़ जाएगी। नेपाल ने भारत के आर्थिक नाकेबंदी के वक्त चीन का रुख किया था और उस कठिन परिस्थिति में उसे चीन का समर्थन भी मिला और विश्वास भी मिला। चीन नेपाल के साथ रेल संपर्क को तिब्बत से लेकर लुम्बिनी तक ले जाना चाहता है, लेकिन नेपाल के भारत के साथ संबंध का आयाम चीन के साथ संबंध से अलग है। ये भौगोलिक नजदीकी के साथ सांस्कृतिक समानता को भी लिए हुए है। लेकिन जिस तरह से चीन एशिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए और भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को मदद दे रहा है, वो आने वाले समय में भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। नेपाल भारतीय पर्यटकों और भारतीय सामानों के नेपाल में प्रवेश को लेकर नित नए नियम बना रहा है। इसके पहले नेपाल भारतीय वाहनों के नेपाल में प्रवेश करने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, एक वाहन पर एक ही सामान रखने और भारतीय फलों व सब्जियों की सीमा पर जांच के बाद ही नेपाल में प्रवेश का नियम बना चुका है। नेपाल द्वारा भैरवा भंसार कार्यालय में 8 महीने पहले ही भारतीय बकरों पर भी प्रतिबंध लगाया था। नेपाल सरकार का आरोप था कि भारत अपने यहां से बकरों को बिना जांच प्रशिक्षण के नेपाल में भेज रहा है
इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व नेपाल के कुल बकरों की मांग की पूर्ति में 75% बकरे भारत से जाते थे। नेपाल में दशहरे के अवसर पर 30,000 बकरे चीन से आयात किए गए। नेपाल में दशहरा पर्व पर भारी मात्रा में मांस की खपत होती है। भारत और नेपाल के बनते बिगड़ते संबंध इस बात की तस्दीक करते हैं कि चीन इस देश के राजनीतिक दलों में गहरी पैठ बना चुका है। यह भारत के लिए चिंता की बात ही नहीं बल्कि बहुत चिंता की बात है, क्योंकि भारत जनमानस में आज भी नेपाल के लिए स्नेह और अपनत्व का भाव है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।